अगर आपको भी एक्सपेंसिव लुक देना है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना। माय डियर एलिगेंट लेडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। माय नेम इज अनाया प्रताप। मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ फैशन, ट्रेंड्स, हेल्थ और ब्यूटी से रिगार्डिंग वीडियोस, जो कि आप लोग मेरे चैनल अनाया प्रताप पे देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब लोगों तक पहुंचता है। इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 5 वेज टू लुक एक्सपेंसिव ऑन अ बजट इन दिस समर। अगर आप लोगों को भी मेरी तरह इन गर्मियों में एक्सपेंसिव लुक देना है तो मेरा ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है एक अच्छे बैग में जरूर इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट इन अ गुड बैग इज अ बिग थिंग। एक अच्छे बैग में इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपके पास में झोला काइंड ऑफ बैग है तो वो अच्छा लुक नहीं दे सकते हैं। इसलिए आपके पास कुछ डिफरेंट टाइप्स के बैग्स जरूर होने चाहिए। अभी समर्स चल रहे हैं तो ये डिपेंड करता है आपके आउटफिट पे कि आपको किस तरह का बैग आप रख सकते हैं, आपको किस तरह के बैग्स आपके पास में होने चाहिए। अगर आप सलवार सूट पहन रहे हैं तो एक ट्रेंडी सा क्लच टाइप का बैग या फिर सीलिंग बैग आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चलते हैं, टोट बैग आप बिल्कुल यूज ना करें इन दीज समर्स। अगर आप कहीं बीच पर जा रहे हैं आप वहां पे टोट बैग जरूर यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा सामान चाहिए होता है, सनस्क्रीन वगैरह, कपड़े, तो उस तरह के बैग को यूज करा जा सकता है। बट इफ यू वॉन्ट टू लुक एक्सपेंसिव ऑन ए बजट तो आपके पास में कुछ बैग्स के ऑप्शन जरूर होने चाहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको मिंत्रा, अमेजोन, इन पे से कुछ जो ट्रेंडी बैग्स हैं जो कि ऑन ए बजट रहेंगे उनके लिंक्स प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप उनको जरूर चेकआउट करें। नेक्स्ट टिप इज वियर अ व्हाइट दुपट्टा ड्रेसेस और सलवार सूट्स इन दीज समर्स। 2023 में जो गर्मियां रहेंगी उनमें आप क्या कर सकते हैं, आपके पास में एक व्हाइट कलर की ड्रेस जरूर होनी चाहिए। वो किसी भी तरह का सलवार सूट हो सकता है, किसी भी तरह की ड्रेसेस हो सकती हैं, आपके पास में व्हाइट दुपट्टा भी हो सकता है। अगर आपने इस तरह का सलवार कमीज पहन रखा है, आपने सलवार सूट पहन रखे हैं, तो आप उसके साथ में व्हाइट कलर का दुपट्टा पेयर कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी वेयर कर सकते हैं, कंगन पहन सकते हैं, नोज रिंग यूज कर सकते हैं, रिंग्स यूज कर सकते हैं, तो ये आपको एक एक्सपेंसिव लुक क्रिएट करके देगा। अगर आपको इन गर्मियों में एक बहुत ही अच्छा लुक चाहिए तो डेफिनेटली आपके पास में व्हाइट कलर का कोई ना कोई ड्रेस जरूर होना चाहिए। द थर्ड टिप इज गो फॉर मिनिमल मेकअप। 2023 के जो समर्स हैं उनमें आपको किस बात का ध्यान रखना है, आपका जो मेकअप है वो मिनिमल मेकअप होना चाहिए। अभी आप इस वीडियो में देख सकते हैं मैंने मॉइस्चराइजर यूज करा है, सनस्क्रीन यूज किया है और मैंने कोई काजल वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया है, लिपस्टिक यूज करा हुआ है। तो इस तरह का जो मेकअप होता है वो मिनिमल मेकअप होता है। उसके अंदर लाइक अगर आप गर्मियों में फाउंडेशन यूज नहीं करना चाहते तो आप थोड़ा सा कंसीलर यूज कर लीजिए, या फिर आप टिंटेड कोई भी सनस्क्रीन, टिंटेड कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। तो इनको यूज करने के बाद में आपके स्किन का जो खुद का ग्लो होता है वो तो रहता ही, और क्रेकी स्किन बिल्कुल नहीं लगती। आपका जो स्किन है उस पर पैचेस बने हुए हो व्हाइट कलर के फाउंडेशन के, तो वो देखने में बहुत ही ज्यादा वियर्ड लुक देता है। अगर आपको ऑन ए बजट आपको एक्सपेंसिव लुक देना है तो आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि आपका मेकअप मिनिमल होना चाहिए। नेक्स्ट टिप इज ऑलवेज वियर लाइट ज्वेलरी। अगर आपको 2023 के समर्स में एक एक्सपेंसिव लुक देना है, एक्सपेंसिव लुक क्रिएट करना है, तो आपको मिनिमल ज्वेलरी वेयर करना पड़ेगा। समर्स में अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, आप कहीं पे बाहर जा रहे हैं, कॉफी के लिए जा रहे हैं, किसी लंच डेट के लिए जा रहे हैं, और आपने कॉटन का सूट पहना हुआ है या फिर किसी भी तरह का ड्रेस वियर करा हुआ है, तो उस पे आपकी जो ज्वेलरी है, अगर आपने इयररिंग पहने हैं तो आपको गले में नहीं पहनना चाहिए। इस तरह के छोटे मोटे जो टिप्स होते हैं, जो कि आपको एक अगर आपने छोटा सा नेकलेस पहन रखा है, लाइक जो चेन होती है वो आप जरूर वेयर कर सकते हैं। लाइट वेट ज्वेलरी समर्स में पहननी चाहिए। अगर आपका एक बोहो लुक है तो आप इयररिंग बड़े रख सकते हैं। ये वाला टिप, यार ये कितनी बुलेट जाएंगी यार।
बार इस चीज का जरूर ध्यान रखें, हैवी ज्वेलरी आपको वियर्ड लुक देती है, इसलिए समर्स में अगर आपको अपना लुक एक्सपेंसिव रखना है तो आपको लाइट ज्वेलरी वेयर करनी चाहिए। आज के इस वीडियो का जो लास्ट टिप है वो है, बता दूं, गो फॉर फ्लैट्स और सम काइंड ऑफ न्यूड हील्स। अगर समर्स में आपको अपना लुक एक्सपेंसिव देना है तो हील्स के भी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप लोग वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं आपको किस तरह के फ्लैट्स, किस तरह के हील्स आपको वियर करने चाहिए जिससे आपका लुक एक्सपेंसिव दिखे। कुछ ऐसे हील्स आपके पास जरूर होने चाहिए जिनका डिजाइन 2023 में ट्रेंडिंग कर रहा हो और समर्स के अकॉर्डिंग हो, आपका लुक अच्छा लगे, आपको एक क्लासी सोफिस्टिकेटेड लुक दे सके। इसलिए अगर आपको इन समर्स में एक्सपेंसिव लुक देना है तो गाइस मेरा ये वीडियो आपको अगर लगता है कि किसी को शेयर करना चाहिए तो उनको जरूर शेयर करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे आप टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे किन टॉपिक्स पे आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आने चाहिए। क्या आपको मेरा समर स्किन केयर रूटीन देखना है मॉर्निंग और इवनिंग? इफ यस, डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।